हाय फ्रेंड्स, दिस इज निवेदिता फ्रॉम विदिशा मध्य प्रदेश। आज हम फिर से आप सबके सामने हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, सांची वैसे तो दुनिया में बौद्ध स्थल के कारण प्रसिद्ध है ही, पर यहाँ पर मौजूद वुडन आर्ट स्कल्पचर म्यूजियम शायद ही दुनिया में कहीं और हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुन्ना लाल विश्वकर्मा जी की, जिनको लकड़ियों और पत्थरों में कलाकृतियाँ ढूंढने का अनोखा जुनून सवार है। दोस्तों, मुन्ना लाल जी विदिशा में रहते हैं और सांची में उनका वुडन आर्ट स्कल्पचर म्यूजियम है, जो कि एमपी टूरिज्म के अंडर रजिस्टर्ड है। यहाँ पर मौजूद करीब 400 कलाकृतियाँ न केवल लोगों को पसंद आती हैं, जबकि हैरान भी करती हैं। दोस्तों, इन कलाकृतियों में आपको कई जानवरों की, कई मनुष्यों की छवियाँ दिखाई देंगी, जिनको खोज निकालने में मुन्ना लाल जी ने अपना पूरा जीवन निकाल दिया और आज भी वो इस काम को बखूबी कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो मुन्ना लाल जी कारपेंटर हैं, पर प्रकृति की अद्भुत कलाकृतियों को खोजना ही उन्होंने अपने जीवन का मकसद बना लिया है। उन्होंने सालों की मेहनत और लगन के बाद इस म्यूजियम को तैयार किया है, जिसमें आपको परिंदों के साथ साथ खेल खिलाड़ी की, देवी देवताओं की अनेक छवियां दिखाई देंगी। दोस्तों, इन कलाकृतियों को मुन्ना लाल जी ने बनाया नहीं है, जबकि जंगलों से इन कलाकृतियों को ढूंढा है। इससे यह साबित होता है कि इनकी ये कला किसी डिग्री की मोहताज नहीं है। कला आखिर कला होती है, पर हमें बड़े दुख के साथ ऐसा कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में ऐसा इकलौता म्यूजियम होने के बाद भी मुन्ना लाल जी को शासन प्रशासन की तरफ से कोई खास मदद नहीं मिली है। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश में ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि दुनिया में कहीं और नहीं है। यही कारण है कि तमाम नेशनल और वर्ल्ड रिकॉर्ड मुन्ना लाल जी के नाम है, जिनमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एलाइड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड शामिल हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मुन्ना लाल जी के बारे में और उनके इस म्यूजियम के बारे में तो बताना ही चाहती थी, साथ में मैं हमारी सरकार से ये गुजारिश करती हूँ कि उनकी इस कला को समझते हुए उन्हें अपने इस म्यूजियम के लिए जिन जिन सुविधाओं की आवश्यकता है उन्हें देने की कोशिश करें। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे। पहले आपको हम म्यूजियम दिखा देते हैं, जिससे कि आप आसानी से समझ पाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद हम आपको मुन्ना लाल जी से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप सामने एनाकोंडा, ये रहा हाथी का मुंह, लग रहा है ना बिल्कुल एज इट इज। दोस्तों, यही तो वो टैलेंट है जो मुन्ना लाल जी में है। प्राकृतिक रूप से बनी इन कलाकृतियों को देखने का जो नजरिया है, उसी के कारण आज वो इस मुकाम पे है। और भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहाँ पे जो हम आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप हिरण के सींग, ये कैटवॉक, और भी कई सारी चीजें हैं यहाँ पे। दोस्तों, मुन्ना लाल जी के पूरे जीवन की मेहनत है जो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन निकाल दिया इन कलाकृतियों को इकट्ठा करने में।
सबसे पहले हम मेरी तरफ से और हमारे सभी दोस्तों की तरफ से आपको इस म्यूज़ियम के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहते हैं, और हम ऐसी कामना करते हैं कि आपका ये म्यूज़ियम और आप इसी तरह तरक्की की राह पर आगे बढ़ते रहें। तो सर, आपके बारे में तो हम जानना ही चाहेंगे, साथ ही आप हमें ये बताइए कि शुरू से अब तक के क्या अनुभव रहे आपको जो भी आप काम कर रहे हैं। काम तो ये चारों साइड आपने देख भी लिया है और देख रहे हैं। इस काम के लिए करीब मेरे को 30-35 साल हो गए, और अनुभव का ऐसा है, इस काम के बारे में मैंने ना ही कहीं कोई पढ़ा था ना ही कुछ सुना था। मैं 10-12 साल की उम्र रही होगी मेरी, उस समय भी जब गांव पर रहता था तो वहाँ भी छोटे मोटे टुकड़े जो जलाऊ की यहाँ वहाँ पड़े मिलते थे, मैं उनके कई बार सांप ले आता था, तो गांव वालों को दिखाता था, तो कई गांव के लोग कहते थे कि बच्चा पागल है। पर वो पागलपन ईश्वर की देन थी, और आज वो पागलपन मेरा सक्सेस हुआ, यहाँ देख रहे हो आप यहाँ तक आ चुके हैं, और इस काम के लिए मेरे को 4 नेशनल रिकॉर्ड मिल चुके हैं। और ये काम जो है मैं पर्यावरण और पर्यटन की दृष्टि से कर रहा हूँ, और यहाँ तक मैं सक्सेस भी हुआ हूँ कि लोग एक बार अगर अंदर आते हैं और इसे देखने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो पेड़ों के प्रति उनकी दृष्टि बदल जाती है, यहाँ तक तो मैं सक्सेस हुआ हूँ। और आगे क्या होगा मेरे को नहीं पता, काम मेरा आज भी जारी है। अभी एक जोड़ा हाल ही में जर्मन से आए थे, वो जर्मन जोड़े ने भी देख कर कहा है ये कि वाकई अद्भुत काम है, और सांचियाना आज मेरा सार्थक हो गया, उसने लिखा है ऐसा। बाकी जो काम है, एक और मैं जो जीवाश्मों का संग्रह कर रहा हूँ, तुमने देखा भी होगा कि जीवाश्मों का संग्रह आज से मैंने 30 साल पहले जब शुरू किया था, तो जहाँ मैं जाता था तो कई 100-100 खदानें चल रही होती थी जहाँ ये सब मिल जाता था। आज उस जगह पर वापस जाकर देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है, रोना आता है कि हमारे क्या जंगल थे, क्या पत्थर थे, क्या पहाड़ थे, क्या पानी की व्यवस्थाएँ थी। आज पैसे के लालच में खनन माफियाओं ने सब ध्वस्त कर दिया है। जिस जगह पर 100-100 खदानें चलती थी, आज वहाँ जाकर देखता हूँ बापू कई किलोमीटर सिर्फ गड्ढे बचे हैं और चूरी बची है, पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। ये दिखाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, और ये अभी भी अपील सबसे कर रहा हूँ कि अभी भी सुधर जाओ। मेरा नारा है, बंद करो पेड़ों पर चलाना कुल्हाड़, अब बचाओ पानी पेड़ पहाड़। आज गर्मियों में हम देख रहे हैं कि पारा 50 पे पहुंच रहा है, और ये इसी रफ्तार से अगर हम पानी पेड़ पहाड़ का दोहन करते रहे तो 10-5 साल में, ये 5 साल में पारा 55 पहुंचेगा। 50 में पक्षी मरते हैं, 55 में आदमी मरते हैं, तो हमारे मरने की मेरे को तो बहुत जल्दी उम्मीद लग रही है कि हम बहुत जल्दी मरने वाले हैं अगर नहीं सुधरे हम। तो सर, जैसे आपने हमें बताया था कि आपने कहीं जंगलों में घूम घूम के ये सारी कलाकृतियाँ इकट्ठी की हैं, तो इस दौरान आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा हमें बताइए। ये मैं सारी घटना आपको नहीं बता सकता, पर मैं आज एक बहुत बढ़िया एक घटना बताता हूँ आपको जो जीवन में कभी भूलने लायक नहीं है। यहाँ राहतगढ़ के पास एक जगह है, वहाँ पता पड़ा था कि कोई डैम बन रहा है, जड़े बड़े खुद रही थी, तो मैं वो देखने के लिए गया था। तो मेरे को वहाँ की रास्ते की कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी, रोड से अंदर घुसना था, तो मैं रोड के अंदर जब चला गया तो 2-3 किलोमीटर चलने के बाद कीचड़ आ गई, फिर मोटरसाइकिल चली नहीं, और मोटरसाइकिल इतनी मिट्टी भर चुकी थी ना वो आगे जाए ना पीछे जाए, तो मैंने वहाँ गाड़ी वहीं छोड़ दी और मैं बढ़ा आगे। जब मैं आगे बढ़ा तो मैं क्या देखता हूँ कि जहाँ देखो वहाँ खुदाई 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 दिख रही थी, और कहीं कुछ मिल नहीं रहा था, पर मन माने नहीं, ऐसा लग रहा था यहाँ कुछ मिलेगा, यहाँ कुछ मिलेगा। जब मैं आगे बढ़ता रहा तो पता ये पड़ा कि मेरे को 6:30-7 बज गए। जब मैं लौटा तो अंधेरा हो चुका था, उस समय छोटे दिन होते, जब अंधेरा हो चुका था तो मैं मोटरसाइकिल भी भूल गया कि मैं कहाँ रख गया था, पेड़ों की वजह से वो भी नहीं दिखाई। तो और कीचड़ में मैं इतना लिपट चुका था, 2 जड़ें मिल गई मेरे को, तो मैं 2 जड़ें ले आ रहा था, कीचड़ में पूरा लिपटा हुआ था, ये जीवन में भूलने लायक क्षण नहीं है। तो वहाँ मेरे को एक गांव दिखाई दिया, छोटा सा गांव था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो 2-4 लोग बाहर जो खड़े थे कहने लगे कोई पागल है ये गाँव में नहीं घुस जाए, तो उन लोगों ने पत्थर उठाए, उन लोगों ने जब पत्थर उठाए मेरे को मारने, तो मैं जंगल तरफ भागा।
भागा और अंधेरा हुआ, वहाँ चला गया तो रोड साइड एक छोटी सी गुमटी रखी थी, मैं जड़े मड़े रख के वहाँ गया। 2 रुपये का बिस्कुट का पैकेट उन लोगों ने मेरे को 10 रुपये का दिया था। मैंने दो रुपये वाले 20 रुपये के 2 पैकेट लिए, घूरा था उस पैसे मैंने पन्नी भी नहीं, और वो पन्नी फटी हुई थी तो मैंने 10-20 पन्नी के अंदर पन्नी ऐसे करने के बाद एक हेडपम्प था वहाँ मैंने पन्नी मनी धो के उनमें पानी भरा और वो बिस्कुट लेकर मैं वापस जंगल में चला गया। और एक ऊंचा सा पत्थर देख के कोई जानवर मेरे को नहीं खा ले, बस वो बिस्कुट खा के मैं पानी पी के उस पत्थर पर सो गया था। रात भर सोता रहा, सुबह जब 5-6 बजे थोड़ा उजाला हुआ मैं वहाँ उठा, एक बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ा और पेड़ पे से मैंने देखा तो मेरी गाड़ी दिखाई दी। तब मैं गाड़ी के पास आया, मैंने गाड़ी उठाई और वो दिल लकड़ी लेके मैं आया था। वो घटना जीवन में भूलने लायक नहीं है। जैसे आपने बताया कि अभी फ़िलहाल ही आपने पेड़ लगाने की मुहिम शुरू की है, आप जगह जगह जाके पेड़ लगा रहे हैं, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। उसके बारे में कोई ख़ास जानकारी तो अभी ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि अभी मैंने शुरू किया है, पर ये काम बहुत अच्छा है, ये सबको करना चाहिए। अगर हम आज नहीं सुधरे तो कल मौका नहीं देगी प्रकृति हमें सुधरने, हमें मरना ही पड़ेगा। हमें पेड़ पानी पहाड़, ये पहले ही कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। अभी फ़िलहाल सांची थाने में, ये सांची थाने के जो थानेदार हैं PI साहब, उन्होंने सहयोग किया मेरा और वहाँ मैं एक सिंदूर का पौधा लगा के आया हूँ। वो ये वही सिंदूर का पौधा है जो 14 बरस वनवास में सीता जी जिससे मांग भरती थी और राम जी तिलक किया करते थे, वही पौधा मैं लगा के आया हूँ। अभी यहाँ और गया था सलामतपुर थाने, भी जगह देख के आया हूँ, अपना लगाना है। ये अकेला ही मैं कर रहा हूँ, जिसे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। अगर ये सपोर्ट हो जाए किसी तरह का तो हम बहुत बड़ा ये काम कर सकते हैं। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके हमें, और आपका ये म्यूज़ियम तो यूनिक है ही, साथ ही आपने जो पेड़ लगाने की मुहिम शुरू की है वो भी काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि आज के समय में बहुत ज़रूरत है पर्यावरण को सुरक्षित रखने की। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना कीमती समय दिया, और बाकी हम ऐसी कामना करते हैं कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। तो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग भी इस म्यूज़ियम को एक बार ज़रूर विज़िट करें। यहाँ आपको ऐसा टैलेंट देखने को मिलेगा जो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम इसी तरह के और भी वीडियोस आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।